मेरिया में लीजिए ढोल ताशों के साथ वापस री एंट्री हो गई है गिन्नी की इन हर ओन ससुराल। वो क्या है कि दादाजी ने अपनी आधी प्रॉपर्टी गिन्नी के नाम कर दी है। जाहिर सी बात है कि इनके लाइफ में इनको एक मॉरल ड्यूटी मिल गई है कि दादाजी के साथ जो हादसा हुआ है उसके जिम्मेदार इंसान को पकड़ना। अब हम आपके पास हैं। सारे डिसीजन आपसे मैं लूं। ही क्या बात है भाई, सिख परिवार की बहू ढोल ताशे के साथ अपने ससुराल में वापस आ गई है, वो भी अपनी गुलाबों के साथ। धक्के मार के निकाल दो इनको बाहर। क्या तो क्या कुछ, अब हम यहाँ से पुलिस भी नहीं हटा सकते। अब हम आपके पास हैं। सारे डिसीजन आपसे मैं लूं। अभी दारजी की कृपा से हम वापस आ गए घर में। दारजी ने जो शेयर्स हैं 50% शेयर्स हैं वो गिन्नी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और काफ़ी हद तक जो डिसीशन मेकिंग पावर है वो भी गिन्नी को दे दिया है। तो इसी हक से गिन्नी जो है वो वापस से सिंह फैमिली में आ गई है और अपने टब्बर को साथ लेकर आ गई है। अब घर वालों का तो समझ में आता है कि वो गिन्नी को देखकर ताने मारेंगे और उसे गलत भी समझेंगे, लेकिन आदित्य बाबू आपको क्या हो गया, आपको तो गिन्नी से प्यार होने लग गया था ना, फिर अब आपको जलन क्यों हो रही है। अगर दादाजी ने 50% प्रॉपर्टी गिन्नी के नाम कर दी तो आपको खुश होना चाहिए, इसमें आपको एतराज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Congratulations. क्या कहूं? Welcome, partner. बाकियों की तरह आपने भी गिन्नी को गलत समझ लिया। उन्होंने बहुत ही टॉन्ट मार के मुझे वेलकम किया, क्योंकि सर्टेनली उनको भी नहीं पता है कि गिन्नी किस मकसद से वापस आई है और मैंने भी अब तक अपना सही जो मकसद है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया है। तो मुझे डेफिनेटली बहुत ही बुरा लगा है, पर मैं जब तक सच एक्चुअल में मुझे नहीं पता चल जाएगा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब देखिए, गिन्नी यहाँ पर आई है ना ऐशो आराम से रहने के लिए नहीं है, बल्कि ये पता लगाने के लिए कि दादाजी के साथ जो हुआ ना उसका जिम्मेदार कौन है। आखिर आपके घर में से ही तो कोई होगा ना है जिसकी वजह से आज दादाजी अस्पताल पहुंच गए। गिन्नी, कुछ लोग इतने शातिर होते हैं ना कि अपनों को ही धोखा दे। अब जासूस बहू आई है ना तो पूरी तरह से पता लगाएगी कि आखिर कौन है इन सब के पीछे, और अब घर में आ गई है तो आपके सामने भी बार बार आएगी ताकि आप ना गिन्नी को और अच्छे से समझ बूझ सकें। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।